हाय फ्रेंड्स, आइए आज कुछ नया आपको बता रहा हूँ। हालांकि यह टॉपिक तो पुराना है, मगर अभी शायद नहीं किसी ने आपको बताया हो। आज हम जानेंगे कि प्री आउट या ऑक्स आउट कहाँ से निकलता है और उसका कनेक्शन कैसे होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये जो एम्पलीफायर है, देखिए यहाँ लाइन आउट निकला हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन आउट जो निकला हुआ है, ये वाला, ये कहाँ से आया है? दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए लाइन आउट और प्री आउट होता है। तो देखिए, जो देखिए ये डिस्क ट्रेवल के लिए 6 वायर, हालांकि आप ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाइएगा। देखिए यहाँ से ये 6 पिन है जो बेस के लिए है और ट्रेवल के लिए। तो बेस और ट्रेवल का जो सिग्नल एम्पलीफाई करता है ट्रांजिस्टर, इसी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक कंडेंसर 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफेरेड का लगा करके हम ऑक्स आउट या लाइन आउट ले लेंगे। देखिए यहाँ से ये जो वायर लिया गया है, यहाँ से जो लिया गया है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, यहाँ एक कंडेंसर लगा करके यहाँ आउट ले लेंगे। देखिए इस कंडेंसर, ये वाला कंडेंसर है, दूसरा बोर्ड है, ये बेस और ट्रेबल है यहाँ पर, ठीक है। इसको बेस और ट्रेबल को एम्पलीफाई करके ये ट्रांजिस्टर सिग्नल यहाँ देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, और यहाँ से हम लाइन आउट लेंगे, क्योंकि ये लाइन आउट जो है यहाँ से होते हुए कंडेंसर है एक, यहाँ देखिए इस कंडेंसर से यहाँ आएगा और यहाँ से घूम करके फिर आगे सप्लाई जाएगा। तो आइए देखते हैं इस बोर्ड में। मान लीजिए कि यहाँ से आप सिग्नल इन करेंगे, ये दोनों माइक के लिए, और यहाँ से जब ऑक्स इन होगा, यहाँ इन होने के बाद ये एम्पलीफाई करके देगा इस ट्रांजिस्टर को, और ये एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को, बेस और ट्रेबल बनाएगा, फिर बेस और ट्रेबल बनाने के बाद एम्पलीफाई करेगा ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, और तब ये एम्पलीफाई करके इसको देगा। तो हमें ये जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता है प्रीसेट का, इसको छोड़ देना है, इससे हमें कोई टच नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद वाला ये जो दूसरा है, बेस और ट्रेबल को जो एम्पलीफाई करेगा, इसी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हम लेंगे। देखिए यहाँ ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये इमिटर है। तो इस कलेक्टर से एक कंडेंसर लगा करके 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफेराड का हम सिग्नल, या 63 वोल्ट 2.2 माइक्रोफेराड, देख लीजिए इतना छोटा ये वाला होगा, 2.2 माइक्रोफेराड या 4.2 या 4.4 जो भी हो, 10 माइक्रोफेराड से कम होना चाहिए, अब 50 वोल्ट या 63 वोल्ट कोई ले लीजिए। तो इस कलेक्टर से हमें ले लेना है, क्योंकि इस कलेक्टर से सिग्नल आउट होकर इस बेस पर आता है फर्स्ट ट्रांजिस्टर के, और यही ट्रांजिस्टर कलेक्टर से आउट करके ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्शन चला जाता है। अब देखिए आपको एक और दिखा दूँ, यह भी वही सिस्टम है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर छोड़ देना है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि बेस और ट्रेबल कहाँ है, ठीक है। तो बेस और ट्रेबल के लिए आपको 6 वायर की 6 पिन दिख जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप कोई भी बोर्ड में ये बेस और ट्रेबल समझ जाएंगे, और बेस और ट्रेबल को जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा, यानी ये वाला, देखिए इस बेस और ट्रेबल को ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करके यहाँ से देखिए सिग्नल जा रहा है, जाते जाते यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ ये बेस है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस है, ताकि आगे ड्राइवर ट्रांजिस्टर को दे सके। तो यहीं से हमें एक कंडेंसर लगा करके ले लेना है सिग्नल, या इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से लेना है, जो बेस और ट्रेबल को एम्पलीफाई करता है, उसी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमें ये छोटा सा कंडेंसर लगा करके सिग्नल लेना है। तो यही हुआ। अब इस बोर्ड में भी देखिए, किसी भी बोर्ड का यही सिस्टम होता है। ये बेस और ट्रेबल का 6 वायर है, 6 पिन। इस बेस ट्रेबल को जो ट्रांजिस्टर ये एम्पलीफाई किया है, ये इसको हम देखते हैं, इस एम्पलीफाई किया यही ट्रांजिस्टर, और इसका ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो देखिए कलेक्टर का यहाँ से आया हुआ है, और यहीं से हमें एक कंडेंसर लगा करके सिग्नल यहाँ आया है, यहाँ से आएगा यहाँ और जाएगा इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो यहाँ से हमें इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक कंडेंसर लगा करके सिग्नल ले लेना है, और हमारा यही लाइन आउट हो जाएगा। जितने भी एम्पलीफायर में आपको लाइन आउट, प्री आउट ये सब मिलते हैं, इसी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक कंडेंसर लगा करके मिलते हैं। बाकी लाइन इन के लिए मैंने तो आपको एक वीडियो में बताया ही था,
और कमेंट ही आया था आप लोगों का, व्हाट्सएप पर भी पूछे थे कि लाइन आउट का एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। लाइन इन तो हो गया था, अब लाइन आउट यहीं से होता है। आप देख लीजिए किसी भी बोर्ड का, बेस्ट ट्रेबल बोर्ड का, और बेस्ट ट्रेबल सिग्नल जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है, बेस्ट ट्रेबल एम्पलीफाई होने के बाद इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आपको कंडेंसर लगा करके सिग्नल ले लेना है। तो यहीं रहा लाइन आउट की वीडियो और इसका कनेक्शन। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा। वैसे एक एम्पलीफायर मैं रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें भी बताऊंगा। सभी बिट्टी बोर्ड में ही सिस्टम होता है, आप लाइन आउट कहीं से नहीं लेकर के बेस्ट ट्रेबल एम्पलीफाई होने के बाद जो ट्रांजिस्टर सिग्नल को और बढ़ा करके आउट करता है, उसी के कलेक्टर से हमें सिग्नल लेना है। तो यही रहा हमारा लाइन आउट या प्री आउट। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।